एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक आर्ट। मैं हूं आंचल और आज हम बनाने वाले हैं ये क्यूट सा लिटिल मशरूम इंसेंस बर्नर। इसे बनाएंगे हम सिर्फ वेस्ट मटेरियल से, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये बॉटल का कैप लिया है। ये बच्चों के मिल्क बॉटल होता है उसका कैप है, और साथ ही में मैंने ये कंटेनर लिया है, इसका सिर्फ हम कैप यूज़ करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों का ही हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस कैप में एक होल करूँगी, इस जगह पर। इसके सेंटर में होल नहीं करना है, सेंटर से थोड़ा सा साइड में होल करना है। तो होल कर लूँगी। होल करने के बाद मैं इसे सैंड पेपर से थोड़ा सा स्मूथ करूँगी, क्योंकि इसके एजेस जो हैं वो थोड़े से शार्प हैं, तो सैंड पेपर का यूज़ करूँगी इसे स्मूथ करने के लिए। अब इसके बाद मैं लूँगी ये मोल्डेड का एपॉक्सी कंपाउंड क्ले। तो इसके दो पार्ट होते हैं, इन दोनों पार्ट को मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे टेलकम पाउडर का यूज़ करते हुए। आप किसी भी तरह का टेलकम पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है, मैं इसका थोड़ा सा पार्ट लूँगी और इसे इस तरह का बेलन है ये मेरे पास छोटू सा, इस बेलन से बेल लूँगी। थोड़ा सा लंबा बेलूँगी क्योंकि मुझे इस कैप को कवर करना है। तो पहले तो मैं इस कैप में अच्छी तरह से ग्लू लगा लूँगी। आप कुछ भी लगाएं, उससे पहले ग्लू लगा लें, उसके बाद ही इसे पेस्ट करें, तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो अभी मैं ये जो क्ले है इसे अच्छी तरह से इस कैप में कवर कर दूँगी। इसको हाफ कवर करूँगी, पूरा कवर नहीं करूँगी। और इसके जो पार्ट है ऊपर से, इसको थोड़ा सा मैं टेलकम पाउडर लगाकर स्मूथ कर लूँगी, क्योंकि इसमें फिंगर्स के कुछ फिंगरप्रिंट्स के निशान रह जाते हैं, तो टेलकम पाउडर से आप उसे स्मूथ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर इस तरह का एक डोरी बनाई है, इस डोरी को इसके ऊपर ग्लू लगाकर लगा दूँगी। थोड़ा सा पार्ट ऊपर से छोड़ दिया है, उसके बाद इसके ऊपर लगा दिया है इसे अच्छी तरह से, और एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है उसे कट कर देंगे। अब हम इसमें जो हमने कैप में होल किया था, उस होल की जगह पर क्ले को हटा देंगे, उस होल को ओपन कर लेंगे। तो इसके लिए मैं एक टूथपिक का यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम इसमें डिटेलिंग करेंगे, जिसके लिए मैं एक छोटा सा पार्ट लिया है, इसे मैं पेंसिल के ऊपर कवर कर दूंगी। पेंसिल के ऊपर पहले हम टेलकम पाउडर लगा लेंगे ताकि ये चिपक ना जाए पेंसिल में। तो इसे चिपकाकर इस तरीके से, और इसे थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देंगे, थोड़ा सा ड्राई होने के लिए, इसे कम्प्लीट ड्राई नहीं करेंगे। तो अब मैं और बाकी डिटेलिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं जो घर बनाया है मशरूम का, उसका डोर बनाऊंगी। तो डोर बनाने के लिए कुछ इस तरह का मैंने शेप लिया है। आप कुछ भी चिपकाइए, उससे पहले ग्लू लगा लीजिएगा, वरना आपका जो भी क्ले है वो बाद में ड्राई होने के बाद निकल जाएगा अगर आप ग्लू नहीं लगाएंगे तो। तो एक्स्ट्रा पार्ट मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद मैंने जो डोर बनाया था उसके कॉर्नर्स पर इस तरह की एक डोरी बनाई है, उस डोरी को लगाकर थोड़ी सी और डिटेलिंग देंगे इस डोर को। तो अभी हम यहाँ पर इसमें ब्रिक का शेप दे रहे हैं, और साथ ही में मैं टूथपिक की हेल्प से डोर पर कुछ टेक्सचर बना रही हूँ ताकि ये वुडन टच में लगे। तो साथ ही में मैंने डोर के थोड़ा सा साइड में एक कैप लिया है, उस कैप से सर्कल शेप बना रही हूँ, थोड़ा सा कट कर रही हूँ उसको।
तो इसके बाद मैं इसी के ऊपर ग्लू लगाऊंगी और ग्लू से एक पतली सी डोरी बनाई है मैंने क्ले से, उसे लगा दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किसी भी तरह के क्ले टूल का यूज़ नहीं किया है, जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है हमने उन्हीं चीज़ों से ही इसमें डिटेलिंग दी है, कोई भी एक्स्ट्रा टूल यूज़ नहीं किया है। तो मैंने राउंड शेप का विंडो बना लिया है और अब हम अपनी चिमनी है वो थोड़ी सी ड्राई हो गई है तो उसे चिपका लेंगे। इसे पूरी तरह से ड्राई नहीं करेंगे वरना ये चिपकेगी नहीं। तो अभी हम अपने बचे हुए क्ले को भी यूज़ में लेंगे। ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है, इसके साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, तो हम जल्दी से इसके साथ काम कर लेंगे वरना ये पूरा ड्राई हो जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा। तो अभी जो हमने कंटेनर का कैप लिया था हम उसे कवर करेंगे। तो उसे कवर करने के लिए सबसे पहले हम कैप के ऊपर ग्लू लगा लेंगे। अच्छी तरह से ग्लू लगाने के बाद हम इस कैप को इस क्ले से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। आप टेलकम पाउडर का यूज़ करिए इसे स्मूथ करने के लिए। अब हम इसे ड्राई होने देंगे। तो अभी यह हमारा कंप्लीट ड्राई हो गया है और ड्राई होने के बाद अभी ये कुछ इस तरह से लग रहा है। मैंने यहाँ पर कुछ दो छोटे से स्टेयर्स भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर कलर करेंगे। मैं यहाँ पर किसी भी तरह के बेस कोट का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट कलर अप्लाई कर रही हूँ। तो जो मैं जो भी कलर करूँगी उसके दो कोट अप्लाई करूँगी, पहला कोट अच्छी तरह से सूख जाएगा उसके बाद ही मैं सेकेंड लेयर अप्लाई करूँगी। अभी मेरी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है कलर की। फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इसमें सेकेंड लेयर अप्लाई करूंगी। तो अभी मैंने यहाँ पर इसमें सेकेंड लेयर भी अप्लाई कर दी है और उसके बाद मैं इसमें कुछ छोटे छोटे से डिटेलिंग दूंगी, इस छोटू से मशरूम को और क्यूट बनाऊंगी। सारी डिटेलिंग के बाद हमारा ये छोटू सा पीस रेडी हो गया है। इसके सारे कलर अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी वार्निश। तो मैं यहाँ पर वार्निश की दो लेयर अप्लाई करूँगी। अब वार्निश अप्लाई करने के बाद हमारा पीस कम्प्लीटली रेडी है। तो मुझे तो ये छोटू सा पीस बहुत ही प्यारा लगा है। अगर आपको भी ये अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मैं ऐसे ही और भी ढेर सारी वीडियोस लाऊं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट से भरे ऐसे ही किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।